अगर आप प्रॉपर तरीके से गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से सर आपके गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट होगी। दोस्तों यदि आप गूगल पर सर्च करते हैं, चाहे इमेज सर्च करें, चाहे वीडियो सर्च करें, चाहे वो जो है टेक्स्ट सर्च करें, कुछ भी जानकारी सर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैसी चीजें सर्च हो जाती हैं जो कि आपको नहीं सर्च करनी चाहिए और आपको डर है कि कोई आपको पकड़ लेगा, आपके घर में आपकी फ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, या फिर आपके घर में मम्मी पापा, या फिर आपके दोस्त, या फिर भाई बंधु जो भी है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली आप सर्च करते हैं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री कैसे डिलीट करें मोबाइल, लैपटॉप, वॉट एवर जो भी आप सर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो में दिखाया जाता है कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करें परमानेंटली, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करने से सब कुछ डिलीट नहीं हो जाता। और कोई भी टेक्निकल बंदा है बहुत ही आसानी से पता लगा लेगा कि आपने गूगल पर क्या सर्च किया या फिर क्रोम में आपने क्या सर्च किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं जो कि आपने गलती से टाइप करके सर्च कर लिया, या फिर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, अब चूंकि गलती हो गई है सुधारना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, बेसिकली क्रोम की जो हिस्ट्री है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे उसमें गूगल सर्च हो गया, इमेजेस सर्च हो गया, वीडियो सर्च हो गया, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ हिस्ट्री डिलीट करने से आपके क्रोम में जो भी चीजें, जो डाटा सेव होता है, वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं होती और वो डिलीट करने से सब पूरा डाटा डिलीट नहीं हो जाता जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर कैसे हम उस चीज को डिलीट करें, कैसे हम अपने गूगल अकाउंट से वो सारी चीजें हटाएं। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि मुझे पता है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, गूगल आपकी हर एक चीज जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, जो भी आप गूगल प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, जो भी आप वीडियो सर्च करते हैं, कौन से वीडियो देखते हैं, कितना लंबा देखे हैं, यूट्यूब सर्च में क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल सर्च में क्या सर्च कर रहे हैं, इमेज में क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सा लेख पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ का हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑल हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं तो भी ये आपके अकाउंट में सेव रहता है माई एक्टिविटी में। तो यहां पर क्या क्या सेव होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने गूगल अकाउंट से इन सारी चीजों को डिलीट करना चाहते हैं, एकदम जड़ से हटाना चाहते हैं, तो सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्रोम हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, माई एक्टिविटी को डिलीट करना पड़ेगा। चौथा क्या है, कैच डाटा को डिलीट करना पड़ेगा। पांचवा क्या है, इमेज सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। छठा क्या है, वीडियो सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा। आपको पता है यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, और अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल क्रोम को उसमें जो हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देने से यूट्यूब का भी डिलीट हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आप हिस्ट्री डिलीट करेंगे फिर भी कोई भी चाहे तो बहुत ही आसानी से माई एक्टिव, आपके गूगल अकाउंट को ओपन करके माई एक्टिविटी जो पेज होता है वहां से वो सब कुछ पता लगा सकता है कि आपने गूगल पर क्या सर्च किया है, गूगल क्रोम में क्या सर्च किया है, गूगल क्रोम ऐप में क्या सर्च किया है, गूगल डिस्कवर में क्या सर्च किया है, और यूट्यूब सर्च में क्या सर्च किया है। तो अगर आप चाहते क्लियरली परमानेंटली अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम की जो अकाउंट है गूगल के अकाउंट में उसमें जाना है माई एक्टिविटी में। आप डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम में टाइप करें myactivity.google.com। आप इस तरह से एक काम कर सकते हैं कि जब आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करने जाते हैं तो जैसे आप गूगल क्रोम में थ्री डॉट पर क्लिक करके हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो वहां पर भी आपको टॉप पर ही myactivity.google.com का एक जो है URL मिलता है, डायरेक्टली उस पर क्लिक कीजिए और जितने भी गूगल के प्रोडक्ट हैं जहां पर भी आपने सर्च किया है, इमेजेस, वीडियो, टैक्स, जो भी आपने सर्च किया है वो सब कुछ आप चाहते हैं परमानेंटली डिलीट करना, वो सब कुछ को है आपको सेलेक्ट कर लेना है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे गूगल क्रोम की हो, चाहे वो जीमेल का हो, चाहे गूगल डिस्कवर जो ऐप है उसका हो, उसको सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसके बाद आना है आपको डायरेक्ट हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आने के बाद आपको सेलेक्ट ऑल कर देना है, जितना भी हिस्ट्री है उसको आप जो है सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, ऑल या फिर ऑलवेज जो भी हमेशा के लिए हिस्ट्री है उसको आप सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद से आप उसको डिलीट कर देंगे। तो यहां से हिस्ट्री डिलीट हो गई और वहां से माई एक्टिविटी से आपने जितना भी चीजें अपने गूगल, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर से जो भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में,
वो सब भी आपके माई जो गूगल अकाउंट है उसमें जो है माई एक्टिविटी में सब दर्ज होता है, सब लिखा जाता है। मतलब गूगल ही ऑटोमेटिक वो जो है सेव डाटा करता है ताकि वो अपने गूगल का जो प्रोडक्ट है सर्विसेज को और बेहतर बना सके आपके लिए, बेहतर तो बेहतर रिकमेंडेशन, जैसे मान लीजिए आपको क्या पसंद है वो आपकी जरूरतों का ख्याल रख सके। इसका मतलब क्या है कि गूगल सेव करता है ये आपके फायदे के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि सेव होता है तो कुछ चीजें गलती से सेव हो जाती है जिससे आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो आप जो मैं तरीका बता रहा हूं गूगल क्रोम की सभी हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री, परमानेंटली माई एक्टिविटी सबको डिलीट करने का, अगर इस तरीके से आप ये करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गूगल क्रोम, गूगल अकाउंट का जो भी आपका गूगल अकाउंट है उसका सभी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। और एक बात यहां पर और भी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कई सारे गूगल अकाउंट है, ठीक है, और आपने एक को लॉगिन किया हुआ, दो को लॉगिन किया हुआ, लेकिन कभी आपने सिंगल अकाउंट जो भी लॉगिन है, ठीक है, स्विच करने का अकाउंट का आता ना, स्विच अकाउंट का, तो वहां से मान लीजिए पहले आपने एक में किया फिर दूसरे में सर्च किया हुआ है और आपने एक में डिलीट कर दिया दूसरे में डिलीट नहीं किया है, तो आपको दोनों ही गूगल अकाउंट में जाकर बारी बारी स्विच करके माई एक्टिविटी और जो सर्च हिस्ट्री है या फिर वीडियो हिस्ट्री है वो सब कुछ आपको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर परमानेंटली आपके गूगल अकाउंट की जो हिस्ट्री है वो डिलीट होगी और आपके गूगल अकाउंट से जो डाटा है वो डिलीट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से अपने गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, आपको करके भी दिखा देता हूं कि कैसे चीजें आपको काम करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जो है गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं मोबाइल से परमानेंटली। अगर आपको दिखाऊंगा वो बेसिकली कैसे स्टेप बाय स्टेप गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करते हैं, इसके लिए मैं यहां पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद हमारे सामने जो भी हमने सर्च वगैरह किया है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो है डाटा आ जाता है अलग अलग तरीके का। हमें गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करनी है परमानेंटली, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे थ्री डॉट पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें डायरेक्ट हिस्ट्री पर नहीं जाना है, हिस्ट्री डिलीट नहीं होगा, हिस्ट्री डिलीट करने से आपका सब कुछ डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा है इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे अदर फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। नीचे साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सर्च योर एक्टिविटी दे रहा है और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लास्ट और लास्ट डे ऑल टाइम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने चूज एक्टिविटी टू डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां पे चाहो तो सब कुछ डिलीट कर सकते हो, लेकिन आपको गूगल क्रोम की सर्च हिस्ट्री या फिर गूगल क्रोम की हिस्ट्री को ही डिलीट करना है तो यहां पर आप जो है इसको अनचेक कर दो और नीचे देखो गूगल क्रोम कहां पर है, ठीक है। तो नीचे आप देखोगे तो यहां पर गूगल क्रोम का जो गूगल सर्च है, देखो यहां पर नीचे यहां पर देखो सर्च है, ये गूगल सर्च है, वीडियो सर्च है, यूट्यूब है, एंड उसके अलावा भी इमेज सर्च है, एंड उसके बाद से गूगल प्ले स्टोर है अगर ऐप वगैरह भी डाउनलोड करते हो तो, आप गूगल न्यूज है, ठीक है, ये सब हो गया, गूगल डिस्कवर है। तो इसके साथ ही इतने सारी चीजें हो गई, यहाँ से एक्टिविटी या फिर हिस्ट्री वगैरह जो आप लोग सर्च करते हो यहीं से होता है। तो अब क्या करोगे, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर देना। ये सब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बोल रहा कन्फर्म यू वुड टू लाइक टू डिलीट योर फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए गूगल सर्च वगैरह यहाँ पर सब लिख कर आता है। नीचे क्या है कि आप यहाँ से नीचे प्रीवियस मोड पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो कि कौन कौन से वेबसाइट पर आप गए हो, कौन कौन सी वेबसाइट पर आपने विजिट किया है। आप यहाँ पर जो है नीचे डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए डिलीशन कम्प्लीट, आपका जो माई एक्टिविटी है पूरा पूरा यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पर सी योर क्रोम हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है क्रोम की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस हिस्ट्री को आप यहाँ पर थ्री डॉट पर जाएंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए सब हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है 24 घंटे है तो यहाँ पर जो है ऑल टाइम पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद से आप यहां पर जो भी आपकी ब्राउजिंग डाटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री है
इसको आपको डिलीट करना है, बाकी कुछ आपको डिलीट नहीं करना है। तो उसके बाद आप नीचे क्लियर डाटा पर, यहाँ नीचे ऑप्शन आता है क्लियर डाटा, आप इसको क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिएगा, यहां से हिस्ट्री पूरी पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, ये हमने दो काम कर लिया है, अब हम जो है तीसरा काम करेंगे। तीसरा काम क्या है कि हम यहां पर गूगल क्रोम है, आपको यहां पर इस पर टच कर रखना है। तो आप देखेंगे यहां पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, आप ऐप इन्फो पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, और यहां पर देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जो आती है, जैसे कि यहां पर डाटा यूसेज वगैरह, स्टोरेज वगैरह, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहां पर कैच का 587 MB का डाटा यहां पर सेव है, तो यहां पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए बोलेगा क्लियर कैच मैनेज स्पेस, तो यहां पर क्लियर कैच पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर ओके कर दीजिएगा। तो यहां से जो है आपके गूगल क्रोम का जो कैच डाटा है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया काम। अब क्या करना है, आपको गूगल क्रोम को फिर से ओपन कर लेना है। इसके बाद से क्या करना है, आपको यहां पर ये जो आइकॉन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। हिस्ट्री पर हमने डिलीट कर दिया है तो अभी यहां पर कुछ है नहीं, ये हमने लेटेस्ट जो किया वही दिखा रहा है। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्लियर ब्राउजिंग डाटा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर भी देखिए ज्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप यहां पर कुकी कैच एंड अदर डाटा पर आप क्लिक करते हैं यहां पे, तो यहां पर देखिए ये सब क्लियर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा और कुछ भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहां पर हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से गूगल क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट करेंगे तभी ये आपके गूगल अकाउंट से आपका पूरा डिलीट होगा। ठीक, अब देखिए मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो यहां पर कुछ नहीं है। अब मैं डायरेक्ट नया जो गूगल, फिर से मैं यहां पर गूगल सर्च करूंगा, ये देखिए गूगल सर्च करता हूं, ये देखिए तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब इसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए कोई भी यहां पर सर्च हिस्ट्री भी नहीं दिखाई दे रहा है, वरना यहां पर गूगल की जो भी हम सर्च करते हैं वो, जैसे मान लीजिए कि लड़कियों की फोटो सर्च किया तो यहां पर लड़कियों का फोटो लिख कर आएगा, यहां पर सब लिख कर आता है, लेकिन यहां पर कोई नहीं है, यहां पर सिर्फ ट्रेंडिंग सर्च दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने अभी जस्ट गूगल टाइप किया तो यहां पर गूगल दिखाई दे रहा है और कुछ भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे, तब जाकर आपके गूगल क्रोम की हिस्ट्री डिलीट होगी, आपके गूगल अकाउंट की माई एक्टिविटी वगैरह जो सब चीज है, जो डाटा सेव होता है आपके गूगल अकाउंट में, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो ये सब कुछ काम आपको करना पड़ेगा तभी जाकर आपके गूगल अकाउंट से पूरा का पूरा हिस्ट्री, एक्टिविटी, कैच डाटा, वीडियो सर्च, गूगल सर्च, यूट्यूब वीडियो, सब कुछ यहां से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप लोग गूगल क्रोम की या फिर गूगल अकाउंट की हिस्ट्री, माय एक्टिविटी, कैच डाटा सब कुछ डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, और इससे कुछ भी आपके गूगल अकाउंट पे बचेगा नहीं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अभी तक से कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं। और चैनल पर नए हैं तो रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम की प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।